हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेफ अंजलि कुमारी। और मैं हूँ शेफ अंजलि। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी बताने जा रही हूँ, जो कि आज तक किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ऐसी भी ये रेसिपी हो सकती है। आज की जो मेरी रेसिपी है वो है व्हिप्ड क्रीम पर। व्हिप्ड क्रीम जिसमें ना बटर का इस्तेमाल होगा, ना मैदे का इस्तेमाल होगा, ना ही दूध का, ना ही व्हिपिंग क्रीम का। ये सिर्फ तीन चीजों से बनने वाला व्हिप क्रीम है और ये खाने में इतना टेस्टी होता है और इतना अमेजिंग कि आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने ये बिल्कुल व्हिपिंग क्रीम से बनाया है। और ये एकदम मार्केट जैसा व्हिपिंग क्रीम रेडी होता है। तो चलिए देर किस बात की, इस वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। केक पे सजाने वाला व्हिप क्रीम बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है पहले उसे देख लेते हैं। पहला चाहिए हमें मिल्क पाउडर यानी कि दूध पाउडर 1 कप। दूसरा चाहिए हमें आइसिंग शुगर। ये आइसिंग शुगर मैंने 1 टेबल स्पून लिया, ये घर का बना हुआ है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगी। और तीसरा चाहिए हमें अमूल का फ्रेश क्रीम 2 टेबल स्पून। व्हिप क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले एक खाली बाउल में हम मिल्क पाउडर डाल देंगे, फिर डालेंगे आइसिंग शुगर, उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के लिए आप विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कांटे वाले चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और नॉर्मल जो खाने वाला चम्मच होता है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप चाहें तो इलेक्ट्रो बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ विस्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले मिल्क पाउडर और आइसिंग शुगर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से अब मिक्स हो चुका है। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून अमूल का फ्रेश क्रीम डालूंगी और अच्छे से मिक्स करूँगी। इसे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में डालें, क्योंकि जो मिल्क पाउडर हमारा होता है और आइसिंग शुगर होता है वो बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाता है। ये देखिए, इसको मैंने मिक्स किया, ये थोड़ा थिक हो गया है। अब इसे हम बीट करेंगे। अब अच्छे से बीट करेंगे, इसे बहुत अच्छे से बीट करना है ताकि आपका मिल्क पाउडर और आइसिंग शुगर और अमूल का फ्रेश क्रीम अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, ये बीट हो गया है। ये देखिए, आपका व्हिप क्रीम सिर्फ 2 मिनट में बन के रेडी हुआ है, वो भी सिर्फ 3 चीज़ों से। अब मैं इसे एक पाइपिंग बैग में भरूंगी। सबसे पहले ग्लास लेंगे और एक पाइपिंग बैग में स्टार नोजल डाल देंगे, या आप अपने मनपसंद का कोई भी नोजल डाल सकते हैं। फिर इसे अच्छे से फैला लेंगे। इसके बाद इसमें हम अपना बनाया हुआ आइसिंग डालेंगे। इसे देखिए, मैं इस तरीके से डाल रही हूँ अच्छे से। अब इसे हम फोल्ड कर लेंगे और इसे प्रेस कर लेंगे ताकि जो आइसिंग है वो बाहर आ जाए। अब मैं इसे डेकोरेट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल बाजार जैसा डिज़ाइन बन रहा है, डेकोरेट हो रहा है। ये देखिए, अब मैं इसे और अलग डिज़ाइन में बनाऊंगी। ये बिल्कुल मार्केट जैसा व्हिप क्रीम खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है और आपको लगेगा नहीं कि ये सिर्फ 3 चीज़ों से बना है। आपको खाने में बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये सिर्फ 3 चीज़ों से बनने वाला व्हिप क्रीम है। बिल्कुल बाजार जैसा, टेस्ट में भी बहुत अमेजिंग है। अब मैं यहाँ पर एक फूड कलर ले रही हूँ, जिसमें देखिए इसके साथ ये स्कूप दिया हुआ है। इसके साथ मैं इसको प्रेस करूँगी और इसमें फूड कलर ऐड करूँगी। आप ध्यान रखिए कि कोई भी फूड कलर अच्छी क्वालिटी का ले। मैं यहाँ पैपलॉन का ले रही हूँ। अगर आपको ये फूड कलर परचेस करना होगा तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके बाद इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमारा आइसिंग भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये मैंने पिंक कलर का डाला है, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब इसे भी हम पाइपिंग बैग में भर लेंगे। अब हमारा पिंक कलर का पाइपिंग बैग भी रेडी हो गया है। मैंने सेम स्टार नोजल डाला था और अब मैं इसे भी डेकोरेट करके दिखाऊंगी। ये देखिए, ये कितना अच्छे से डेकोरेट हो रहा है पिंक कलर में। इसके बाद और अलग डिज़ाइन में आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये बहुत खूबसूरत बन रहा है। आप बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे कि ये सिर्फ 3 चीज़ों से बनने वाला व्हिप क्रीम है।
खाने में भी बहुत टेस्टी है। आपको यकीन नहीं होगा कि ये सब तीन चीज़ों से आपने विप क्रीम बनाया है, वो भी बिना किसी झंझट के। ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा है और बनने में भी बहुत आसान है। ये देखिए कितने अच्छे से पाइपिंग हो रहा है। आपको ये विप क्रीम बनाने के लिए ना तो किसी बटर, ना मैदे, ना किसी विपिंग क्रीम, ना ही दूध की ज़रूरत पड़ेगी। और ये बहुत आसानी से बनने वाला विप क्रीम है। ये देखिए मैंने इसे प्लेट में भी सजा दिया है, मैंने इसे दो कलर से डिज़ाइन किया है। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचेगी। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो बी हेल्दी, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।